नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। सेट एग्जाम चाहे आपका 10+2 वाला हो या फिर स्नातक लेवल वाला हो, ठीक है, कोई भी लेवल का हो, आप इस क्लास को आज शेयर करेंगे। आखिर में पहले तो आप इस क्लास को देखेंगे, उसके बाद शेयर करेंगे। वापसी में सवाल ये करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल मेरा रहेगा कि आज आप 40 में से कितने प्रश्न सही करेंगे। सर, आज क्या खास है? देखो, आज खास ये है, मॉडल पेपर तो है ही है, आपको फीलिंग ये रहेगी, आप ऐसा समझेंगे कि आपका मिनी मॉडल पेपर है, ठीक है, जीके जीएस का। यानी कि आज आपके लिए करंट के क्वेश्चन भी ऐड है, हमने करंट के क्वेश्चन ऐड करे हैं, विज्ञान के प्रश्न कुछ ऐड करे हैं, ठीक है, आधे प्रश्न भारत सामान्य ज्ञान के, तो आधे प्रश्न राजस्थान जीके के। कुल मिलाकर 10-10 प्रश्नों का ये जो है आपका सम्मेलन होने जा रहा है। तो आप लोग जरूर इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे, और आप इस क्लास के आखिर में कमेंट जरूर करना कि सर इतने मेरे सही हुए हैं, ठीक है। ये आपकी क्लासेस का टाइम टेबल है, सुबह 9 बजे क्लास ये फिलहाल है ये, और रात को 9 बजे भी क्लास होगी आपके लिए। और वैसे दोस्तों, आज 5 बजे वाली क्लास जो है नहीं हो पाएगी, अगर मुझे समय मिला तो जरूर आ जाएगी। अभी वैसे फिलहाल कंफर्म नहीं है, अगर मुझे समय मिला तो आपकी एक 5 बजे की क्लास भी आएगी 100%। दोस्तों, अगर आप पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर तो चैनल को सब्सक्राइब बाद में करना, पहले क्लास देखना। ये टेस्ट है, आपको अगर ज्वाइन करने हैं या पीडीएफ वगैरह ज्वाइन करनी है तो गूगल पर जाकर आप अगर राजस्थान क्लासेस टाइप करते हैं तो आपको सिंपली आपकी अपनी वेबसाइट है जो मिल जाएगी, ठीक है। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कुछ इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि भाई बीकानेर में ऊंट महोत्सव कब आयोजित होता है। तो देखिए दोस्तों, बीकानेर में जो ऊंट महोत्सव है वो आपके जनवरी महीने में आयोजित होता है, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। बोले सर बीकानेर में होता है, मैं आपके लिए यहाँ पर लिखूं तो ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है, बीकानेर में। अगर मैं आपसे लिख दूं आपके लिए यहाँ पर एक और सवाल कि मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, आप लिखेंगे सर मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित होता है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थार महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो आपका जवाब रहेगा सर बाड़मेर में आयोजित होता है। तो इस प्रकार के सवाल भी आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं, और ये आपने सही ही किया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राणा कुंभा के समय में हुई थी, ठीक है। और ऐसा भी आपसे सवाल करा जाता है कि सबसे प्राचीनतम चित्रकला कौन सी है, तो ऐसे में भी आपके सवाल का राइट आंसर क्या हो जाता है, मेवाड़ चित्रकला शैली, मेवाड़ चित्रकला शैली। ये सवाल जो मैंने बोला है ये आपका अभी वन रक्षक पेपर में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान साहित्य में परन्योड़ी कंवारी किसकी रचना है। राजस्थानी साहित्य में परन्योड़ी कंवारी जो है एक रचना है दोस्तों, किसका कहानी संग्रह, ये कहानी है, ठीक है। तो हम बात करें तो ये श्री लाल नथमल जोशी की कहानी है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके संदर्भ में और बात करें, इन्होंने एक और लिखा था जैसे भाड़ेती नाम से, ठीक है, इन्होंने ऐसा भी लिखा था मोला याडी लाडी, मोला याडी लाडी भी इन्होंने ही लिखी थी दोस्तों, याद रखना। और आभे पटकी भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, आभे पटकी, आभे पटकी। दोस्तों, ये चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ऐसे अजीब अजीब जो जो रचनाएं हैं ये किसकी है, ये याद रखना नथमलाल जोशी की ही है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ईसवाल सभ्यता कौन से जिले में विकसित हुई थी। देखिए दोस्तों, ईसवाल सभ्यता जो है ना कौन से जिले में विकसित हुई, अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाता है तो आप कहेंगे सर ईसवाल सभ्यता उदयपुर में हुई है, और ये एक प्रकार की लोह युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है दोस्तों, याद रखना लोह युगीन सभ्यता याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, बागो किसके द्वारा पहनी जाती है। देखिए बागो क्या है दोस्तों, बागो एक प्रकार का वस्त्र है, याद रखना है, ठीक है, क्या है, वस्त्र है। तो ये किसके द्वारा पहना जाता है, तो याद रखना पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा, पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। देखो ये अगर बात करें तो क्या है, सिर की पगड़ी है, सिर की पगड़ी है ये आपकी, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। और लेकिन एक चीज और है, इसी से मिला जुला शब्द है जो है वाट वागो, वाट वागो नाम से भी एक आता है वाट वागो, वो क्या होता है। बोले सर उसकी बात करें तो वो तो एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि महिलाओं का वस्त्र है, ठीक है, महिलाओं से संबंधित है वाट वागो, ठीक है सर, याद रखेंगे हम लोग। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, देखो ये अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है आप लोगों से कि मुद्री का दामना कहाँ पहना जाता है। देखिए दोस्तों, जिसे आप लोग मुद्री का भी कहते हैं, दामना भी कहते हैं, तो ये कहाँ पहना जाता है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, हाथ में, पैर में, नाक में, गले में। देखो, गला नहीं होगा, नाक भी नहीं होगा, पैर भी नहीं होगा, हाथ हो जाएगा। मुद्रिका या दामना जो है ना, ये आपके ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। हाथ की अंगुलियों में पहना जाता है, हाथ की अंगुलियों में पहना जाने वाला ये गहना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजोरगढ़ का लेख किस जिले से मिला जो 960 ईस्वी का उत्कीर्णन है। राजोरगढ़ का लेख किस जिले में मिला जो 960 ईस्वी में उत्कीर्ण हुआ है? तो हम ये कह सकते हैं सर, ऑप्शन बी हो जाएगा, अजमेर। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें ना, तो एक मथन देव नामक राजा का शासन था। मथन देव नामक राजा का शासन था। और ये जो है महिपाल द्वितीय जो थे ना, महिपाल द्वितीय जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश का शासक, उनके ये क्या थे, सामंत हुआ करते थे, याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित क्या है? ये भी तो शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से असुमेलित राजा और उनके काल। अजीत सिंह का काल जो है दोस्तों 1678 से 1724 तक रहा था, बिल्कुल सत्य कथन है। जय सिंह द्वितीय की बात करें तो 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक शासन काल रहा था, ये भी सही है। ठीक है, महाराणा कर्ण सिंह की बात करें 1620 से लेकर 1628 तक कार्यकाल इनका भी रहा था। महाराजा जय सिंह की बात करें तो इनका कार्यकाल रहा था 1621 से लेकर 1667 तक रहा था, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था आपका ये। ठीक है, और अगला प्रश्न कह रहा है बीहड़ प्रभावित राजस्थान के जिले कौन से हैं? देखिए, बीहड़ प्रभावित राजस्थान के जिलों की बात करें तो ये आपका कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर है। धौलपुर पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पर सवाई माधोपुर आता है। ठीक है, तीसरे पे बात आती है कोटा की, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगर आपसे सवाल यूं भी पूछा जाए कि चंबल नदी से सर्वाधिक बीहड़ भूमि सर्वाधिक किस नदी क्षेत्र में, तो याद रखना चंबल नदी में ही स्थित है। ओके सर, क्लियर है। अगला प्रश्न है रिएक्टर स्केल किसके नापने में काम आता है? रिएक्टर स्केल किसके मापने में काम आता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने में काम आता है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, तो याद रखना, इसकी बात करें तो 1930, हाँ 1930 के दशक में ये विकसित हुआ था, ये वैसे ये है ना। अगला क्वेश्चन देखो, फेदम या फिर दोस्तों जो लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप इसे क्या पढ़ेंगे, जो भी पढ़ो आप लोग। ठीक है, तो फेदम जो है ये क्या है? वैसे ये वनरक्षक के पेपर में अभी सवाल भी पूछा गया था, और इससे पहले हम लोगों ने अपने मॉडल पेपर में भी पढ़ा था, कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये एक प्रकार का माप है दोस्तों, और माप किसका है? बोले सर, माप है सागरीय गहराई का, सागरीय गहराइयों का, गहराई का माप है, याद रखना, गहराई का माप है। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है आपका। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूछा क्या जा रहा है देखो। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नारंगी जैसे खट्टे पदार्थ में कौन सा विटामिन अधिक होता है? नारंगी जैसे खट्टे पदार्थ में आपका कौन सा विटामिन अधिक होता है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों, विटामिन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या है? बोले सर, एस्कार्बिक अम्ल है, एस्कार्बिक अम्ल इसका सर रासायनिक नाम। में बात करें तो इसकी कमी से होने वाला जो रोग है ना, वो होता है स्कर्वी रोग, है ना, स्कर्वी रोग होता है, याद रखना, स्कर्वी रोग। ठीक है, इसकी कमी से होने वाला रोग। और इसकी बात करें जैसे संतरा है, और बात करें तो नींबू भी है, और बात करें तो टमाटर भी है। तो ये जो है संतरा, नींबू, टमाटर, ये सारे जो है खट्टे पदार्थ जो किसमें आते हैं, ऑप्शन सी यानी कि विटामिन सी के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जीवित चीजों के मुद्रा के प्रभाव का अध्ययन, मृदा यहाँ पे ना, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? देखो, ये मृदा की बात हो रही है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा एंड्रोलॉजी, यानी सॉरी एडाफोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? देखिए दोस्तों, जल में स्थायी कठोरता का कारण पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए में मैग्नीशियम कार्बोनेट पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी में कैल्शियम क्लोराइड पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी में जिंक क्लोराइड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो, कैल्शियम क्लोराइड को लॉक करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड जो है एक प्रकार का आपका क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, देखो, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। देखो, साधारण नमक जो होता है वो क्या क्या होता है, वैसे आप सभी को पता है साधारण नमक जो है, जैसे आप मतलब सोडियम क्लोराइड है ना, तो इसको आप सेंधव नमक भी कह सकते हैं, सेंधा नमक, या फिर जो है ना, कहते हैं ना उसको लाहौरी नमक, इस प्रकार का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? हाँ, ये आपसे सवाल किया जा रहा है।
तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा प्रोटीन की कमी, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ओके, वैसे इसका आंसर तो आप देख ही पा रहे हैं। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। यांत्रिक वे विद्युतीय में ग्राफ हेतु उपयोग होने वाला उपकरण कौन सा है? ओसिलोग्राफ है, पेरिस्कोप है, माइक्रोस्कोप है या किलोस्कोप है? तो देखो, यांत्रिक और जो है विद्युतीय में ग्राफ हेतु उपयोग होने वाला उपकरण जो है वो है ओसिलोग्राफ है दोस्तों, यानी ऑप्शन आपका सी है, जो ए है, जो लॉक हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। वैसे पेरिस्कोप की बात करें तो ये आपका पनडुब्बियों में काम आता है, पनडुब्बियों के लिए उपयोग में लिया जाता है। माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप जो बारीक बारीक जो वस्तुएं होती है, यानी कि छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किलोस्कोप की बात करें तो टेलीविजन का जो रिजोल्यूशन होता है उसको देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि किस कछवाहा शासक को दी थी? अमीर उल उमरा, आप अगर लूसेंट बुक पढ़ते हैं तो इसका जवाब आपको अलग मिलता है, और बाकी की सारी किताबों में आपको ये भारमल के बारे में भी मिलेगा। राजा भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, किसने दी थी? अकबर ने दी थी, याद रखना, और राजा की उपाधि भी दी थी अकबर ने इनको। ठीक है, 5 हजारी जो है मनसबदारी भी दी थी, याद रखना। अगला प्रश्न है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? देखो, आसान सा सवाल है आपके लिए, बहुत आसान सवाल है ये। मालवा का जो है ना, मालवा का पठार जो है किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राजस्थान का है, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में इसका भी कुछ न कुछ अंश जरूर है, गुजरात में भी है, तो महाराष्ट्र में नहीं है, मध्य प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, महाराष्ट्र में ये फैला हुआ नहीं है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में या फिर विमंदक के रूप में? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विमंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, वैसे ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल की लीड बनाने में भी किया जाता है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पुलसर, क्वार्ट्स घड़िया, परमाणु घड़िया या फिर श्वेत वामन? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने कितने सवाल सही किए हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है, यूं नहीं कि आप लोग भूल जाओ। अगला सवाल पूछा जा रहा है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों की मिश्रित परियोजना कौन सी है? इनमें से गंग नहर है क्या? तीनों की नहीं है। माई बजाज सागर इन तीनों की नहीं है, क्योंकि माई तो नीचे की ओर रह जाती है, चंबल नदी ये साइड में रह जाती, लेकिन पंजाब इसके कोई इर्द गिर्द है ही नहीं। भाखड़ा नांगल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है तीनों राज्यों की एक मिश्रित परियोजना है, ठीक है, और राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला इससे लाभान्वित है। तो आपसे यूं भी सवाल करा जा सकता है कि भी राजस्थान इसका कितने प्रतिशत उपयोग करता है, तो ये भी याद रखना, 15.2%। तो ऐसा सवाल आपको अभी पूछा भी गया, इससे पहले भी कई बार पूछा गया ये वाला सवाल, कंप्यूटर अंतरिक्ष में भी पूछा गया था। अगला सवाल पूछा जा रहा है, लरमा सोनेरा किसकी किस्म है? लरमा और सोनेरा जो है ना, ये आपके गेहूं की किस्म है, याद रखना, ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। देखो, शरबती भी है वैसे, है ना, शरबती है जैसे शेरा है, कल्याण सोना है जैसे कल्याण सोना भी है, कल्याण सोना भी है, और जैसे सोनालिका भी है, काफी सारे जो नाम है आपको इसके देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, परम्बिकुलम या पारम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है? ये सवाल कई मरतबा हम लोगों ने पढ़ा भी है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन ए, वैसे आप सभी को बताइए और आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? अब इससे आसान क्या होगा बताइए, बहुत आसान सा सवाल है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? तो असम की है, कितनी है? 699 किलोमीटर, याद रखना, कितने किलोमीटर है? 699 किलोमीटर है, ठीक है, सॉरी, भारत और भूटान की कुल जो है ना अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, लंबाई की बात करें 699, लेकिन जो असम असम की है ना वो है 267, है ना, 267 किलोमीटर है केवल असम असम की, बाकी आपका 699 जो है वो है कंप्लीटली।
ओके, पूरा भारत और भूटान के साथ में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया मनाया जाता है सॉरी किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल, क्योंकि ये करंट का सवाल बन जाता है आपके लिए। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023 की 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस के आयोजन हेतु प्रदेश के किस शहर को चुना गया है। तो इनमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर दोस्तों, है ना, उदयपुर में ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत अच्छा प्रश्न है, जनवरी में होने वाला है ये, ठीक है, सुखाड़िया विश्वविद्यालय में होने वाला है। मोहनलाल सुखाड़िया जो विश्वविद्यालय है कहाँ पर है, उदयपुर में जनवरी में होने वाला है। ठीक है चलो सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। तो याद रखना 18, है ना, 18 को लॉक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। 18 है जो आपका सही जवाब होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। तो कई मरतबा पढ़ा है हम लोगों ने कि जयपुर है, जयपुर है, तो जयपुर में कहां पर, याद रखना जामडोली में, जयपुर में कहां पर है, जामडोली में, ये चीज याद रख लेना, गांव का नाम भी याद रखना आपको। हाल ही में किस राज्य के प्रख्यात कलाकार नील पवन बरुआ का निधन हुआ है। देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के कलाकार नील पवन बरुआ का निधन हुआ है, तो ये केरल नहीं होगा, कर्नाटक भी नहीं होगा, असम हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। ठीक है ओके सर, क्लियर है। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में फ्रांस और भारत की वायुसेना ने कहां पर संयुक्त अभ्यास किया। तो ये देहरादून में नहीं किया, पेरिस में भी नहीं किया, ये जोधपुर में किया। ये आपका अंतरराष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर आयुष उत्सव का उद्घाटन किया, ये भी सवाल करंट का है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कश्मीर में किया दोस्तों, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न आपसे यूं पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी, गुजरात नहीं सर, महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी कहो या फिर दो कहो, जो भी इस प्रकार से आप याद रखना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है। आपको शहर पूछा है प्यारे साथियों, तो आप क्या कहेंगे कि सर शहर पूछा है तो मुंबई कर लेंगे हम लोग लॉक, क्योंकि मुंबई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी पहले नंबर पे मुंबई है, 1.84 करोड़ की यहाँ पे जनसंख्या है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। दूसरे नंबर की बात करें तो आपका पड़ता है दिल्ली, जिसकी 1.68 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो पहला मुंबई है, दूसरा दिल्ली है सर, नई दिल्ली यानी, है ना। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। तो इनमें से ठाणे जो जिला है ना, ये सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ठाणे जो है ये कहां पर है, कौन से राज्य में स्थित है, ये वाला जिला कौन से राज्य में स्थित है ठाणे, ये आपको बताना है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई एक पुस्तक जिसका नाम है नील दर्पण, इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों याद रखना, लेखक इनके है दीन बंधु मित्र, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आसान सा सवाल था। और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, यानी कि इनमें से जो ऑप्शन में जो आपको मिट्टियां दिख रही है ना, काली, जलोढ़, लाल, बलुई मिट्टी, इनमें से कौन सी मिट्टी का विस्तार हमारे राजस्थान में सबसे अधिक है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी है, 43% राजस्थान भारत के भूभाग पर ये पाई जाती है, ये चीजें याद रखना आप लोग। ठीक है, इसे कच्छारी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं। अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। सबसे आसान सवाल है आपका, निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा जो शिखर है ना, वो है कंचनजंगा दोस्तों। कहां पर है, कहां पर है सर, हाँ बताओ दोस्तों, इसका आंसर आपको ही बताना है, ये कहां पर है कंचनजंगा, कितनी मरतबा हम लोगों ने पढ़ा भी है इसका, कमेंट करके आंसर देना है इसका, है ना। और ये आपका सबसे आसान सवाल, जो कि आखिरी सवाल है, ये 40वां प्रश्न है आपका आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। ठीक
ठीक है, इसका जवाब आपको देना है अभी कमेंट में, अभी हाँ अभी देना है। निम्न में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है? देखो, अजंता श्रेणी की बात करें, अजंता कहाँ पर है? भारत के दक्षिण में है। खंडवा की बात करें, खंडवा की ये भी दक्षिण में ही है, पालघाट भी दक्षिण में, लेकिन उत्तर की बात करें तो मालवा का पठार है उत्तर में। इसकी दृष्टि से बात हो रही है यहाँ पे, इस पूरे ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालवा। मालवा जो कि मध्य प्रदेश है, राजस्थान में भी कुछ एक भाग में है, ठीक है? तो इस प्रकार से गुजरात में भी है कुछ एक भाग पर। यूं तो देखिए दोस्तों, ये आपकी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट, मैं आपको बता चुका हूं कि आपके राजस्थान क्लासेस आप अगर लिखते हैं गूगल में जाकर तो आपको पीडीएफ टेस्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड है, वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको जाके डाउनलोड पर क्लिक करना है, सीधा क्लिक हो जाएगा, ठीक है? आप ग्रुप में भी हमारे साथ ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं राजस्थान क्लासेस के, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? और बाकी आपको आज स्कोर बताना है, आपका जो रिजल्ट रहा है ना 40 में से कितना रहा है, कमेंट करके बताएं आप लोग। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका जो स्कोर रह रहा है ना आज की इस क्लास में, क्या स्कोर रहा आपने कमेंट सॉरी आपने वो किया तो होगा ही, काउंटिंग तो की ही होगी कि सर काउंटिंग की नहीं हमने, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था आपको कि काउंटिंग काउंटिंग करना जरूरी है, तो काउंटिंग आपने करी ही होगी। अगर करी है तो इसका आंसर जरूर बताना कमेंट में, ठीक है? तो बताओ क्लास कैसी लगी आपको, फिफ्थ फेस, और क्लास थोड़ी सी लंबी भी हुई है आज 21 मिनट की, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। वैसे आज सब कुछ मिक्स में था, ठीक है? तो आप लोग अच्छे कमेंट भी जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना कि आपको क्लास कैसी लगती है उनको भी, है ना, ताकि देखो जितनी आगे जाएगी उनको पता चलेगा कि कैसी कैसी क्या क्या किस प्रकार से हो रही है। और बाकी रात को 9 बजे मिलते हैं, आप सभी को आना है, क्या पढ़ेंगे, राजस्थान जीके, ठीक है? तो तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसमें, मॉडल पेपर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट से। जय हिंद, वंदे मातरम, शुक्रिया।